अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, क्या जरा फिर आप सबका होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो वेलकम बैक होगा आज किस वाले हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं हॉस्पिटल के सबसे ऊपर वाले छत पे हूँ, थर्ड फ्लोर पे, सही है। तो अभी इधर देखो आप क्या हाल है यार, रोड बन रहा है, ये देखो प्लान लगा हुआ है रोड बनाने वाला, सही है। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई हुई है मुकम्मल, ये कैसे बनाते हैं, कैसे डाला जाता है, नीचे स्क्रॉल करोगे मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा था, बेसिकली छत पे मैं इसीलिए आया था, ठीक है। ये जो गटर बना हुआ है ना, ये देखो यार, ये जो पानी फेंका जा रहा है, ये इसलिए फेंका जा रहा है कि जो है ना गिर्द जो है ना उठे ना, कट्टा वगैरह हमारे मुंह में ना जाए, ठीक है, बचत हो जाए उससे। लेकिन उससे बचाने के लिए ये देखो, ये गटर से पानी लिया जा रहा है यार, और ये बड़ी बुरी बात है यार। मैं पहले भी व्लॉग में बताया एक दो में, ये नहीं यार अच्छी बात है। कुछ लोग यार नमाज पढ़ने वाले होते हैं, वो कितनी दफ़ा कपड़े चेंज करेंगे अगर इस रोड पे आ गए वो, तो डेली बेस पे ऐसा होता है यार, गटर से पानी लेते हैं और ऐसे रोड पे फेंक देते हैं। यार साफ पानी ले लो, यहाँ गटर का ना लो, जितने भी गुजर रहे हैं ना जी, जितने भी बाइकर हैं ये देखो आ रहे हैं, ये रोड चलता भी पीछे ज़्यादा, ठीक है। और जितने भी आ रहे हैं सभी के कपड़े गंदे हो रहे हैं यार, ये तो सही बात नहीं है ना। ये देखो आप लोग खुद ही बताओ ये सही बात है। अभी ज़ुएब एहसन गए हैं सूफी शरवाल, ठीक है, उन्होंने बुलाया हुआ है कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं भी ऐसा करता हूँ, निकलता हूँ उधर ही जाके आप लोगों को मिलता हूँ। 5 मिनट फाइनली पहुँच गए सूफी सूफी शनवाड़ी और ज़ुएब भाई वेट कर रहे थे बाहर खड़ा होके। तो ऐसा करते हैं, चलो चलते हैं अंदर, आ जाओ। किसका वेट कर रहे हो, क्या दंदियाँ निकाली जा रहे हो, क्या सीन, क्या है बता तो सही। सच्ची बात बताओ, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। म्यूजिक यार, ये प्रैंक क्या चीज है, फिर प्रैंक होगा यार। मैं कह रहा था खाने के लिए ना आ जाओ, खाना कुछ तो अभी आया हो, तो वो मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए ले रहा है, चलो खैर वो ही लेते हैं। सेकंड प्रैंक हो गया। कितनी देर है बंदर, फिर 10 मिनट है अभी। जो खाना लेना था सारा ले लिया, ठीक है। और मैं अपनी गाड़ी लॉक इधर ही कर रहा हूँ, वो खड़ी है, और इस पे जाते हैं खाना दे के वापिस आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सीन क्या हो गया यार, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से जो है ना मैं कल मुकम्मल नहीं कर पाया। उसी टाइम जब मेरे साथ ज़ेब ने प्रैंक किया छोटा था, उसके बाद ही जब आए वापस तो मेरी अचानक से तबीयत खराब होने लगी। तो ये होता है वैसे भी जब ना गर्मियों के दूसरे तीसरे मंथ मुझे बुखार हो जाता है ऐसे, पता नहीं क्या सीन है मौसम चेंज होने की वजह से या जो भी सीन है, लेकिन मुझे हो जाता है। अभी भी काफी टाइम हो गया हुआ है, मैं उठ के सुबह का रेस्ट की थी, रात को भी रेस्ट की थी, अभी थोड़ा बेटर हुआ था तो मैं उठ के आ गया था। मेडिसिन वगैरह मैंने नहीं खाई कुछ भी, क्योंकि अगर इस बार मैंने मेडिसिन खा ली तो नेक्स्ट जैसे मुझे होता है मार्च या अप्रैल में होता है, तो तब भी मुझे मेडिसिन खा के ठीक हो जाना था। वो एक हिसाब से कह ली कि लग जानी थी मेडिसिन, मैं इसलिए नहीं खाता, रेस्ट वगैरह करके या देसी चीजें ये वो करके मैं ठीक हो जाता हूँ। मेडिसिन यार ये क्या है, ये आप लोगों ने ये टाफियां बना ली हुई है, ये बड़ा गलत सीन है यार। ये मेडिसिन की आदत जो है ना कम कर ले। कुछ लोग तो खैर वाकई मजबूरन उन्हें लग गई होती है, वो तो खैर एक अलग मैटर है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेडिसिन नहीं खाता, जो भी मसला हो, हाँ मे भी कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर खानी पड़ जाती है। पूरा जिस्म दर्द कर रहा है यार, पूरी बॉडी में पेन है, समझ नहीं आ रही है कैसे अचानक हो, कैसे जैसे कुछ डेंगू वगैरह हो गया यार, अल्लाह माफ करे। दबाने वाला मैं खुद ही दबा लेता हूँ जब मुझे कोई ऐसा सीन हो, तो खुद ही जो है ना कर कुर लेते हैं थोड़ा कोई एक्सरसाइज करके, नहीं तो मैं चलना शुरू हो जाता हूँ। लोहे का तोड़ तो लोहे होता है ना, वो थोड़ी सी पेन इंक्रीज होती है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाता हूँ, सेट हो जाता हूँ। खैर मौसम चेंज हुआ होता रहता है ऐसे। अभी ज़ुहैब नहा रहा है यार, वैसे वो जुमे के जुमे नहाता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे नहाना शुरू हो गया। आते हैं भाई तो पूछते हैं भाई ऐसे कैसे आज क्या हो गया जो नहाना शुरू हो गया वो अचानक से ही। अभी मैं जा ही रहा था तो मैं दरवाजा जैसे दरवाजा ओपन किया वो आगे से वही खुद ही आ गया। तो भैया आज कैसे प्लान बन गया यार अचानक से नहाने का, जुमे के जुमे नहाते तुम तो यार सही बात है यार, तुझे पता नहीं मेरी तबीयत इतनी खराब है, तुझे पता ही नहीं यार। कल का व्लॉग आज मैं पेंडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ यार। भैया आपको क्या हुआ यार, वो कल वाला तूने प्रैंक किया वो मैं टेंशन ले गया था यार, कि देखिए क्या करेगा। टेंशन नहीं लेनी थी नहीं यार मजाक कर रहा था, ऐसे जो है ना मौसम चेंज होते हैं ना, तो वो दूसरे तीसरे महीने में ना तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा सीन होता है मेरा। बाकी सारे घर रहे पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ जा रही है, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहे हैं ना, ठंडी चढ़े के अगर नंबर कम आ गए जरा से भी। यार तेरे से स्मेल आती है जो परफ्यूम यूज करता है, अच्छा लगता है। मैं तो नहीं यूज करता, जा
मारना खाने में सही बात तो सही बात है, मैं नहीं परफ्यूम यूज करता, सही बात है यार, मैं बाकी यार नहीं यूज करता। चुप कर जा, मैं देख लूंगा। ये क्या है दीपी? फुटबॉल। ये किधर से आ गया? अच्छा गिफ्ट दिया, हवा नहीं है ना अंदर? नहीं हवा कम है, तो कम है। चलो ऐसा करते हैं, अभी जाते हैं थोड़ी देर बाद, है शाम को इंशाल्लाह फिल करवा के आते हैं, वहाँ टेस्ट करेंगे इसका, मजा लेते हैं थोड़ी देर। आ जाओ। सही हुआ फिल हुई है। चलो खैर अभी तो टाइम काफी हो गया, अभी हमारे पास लड़के भी नहीं है, जैसा कि हम खेले तो तीन चार हों, पाँच छः हों, फिर ही मज़ा आता है ना एक टीम बना के। तो बहुत है आज के लिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वहाँ लोगों को क्वेश्चन है कुछ बताना चाह रहे हो तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।